आप रो रहे हैं? आप नहीं है ना यहाँ पर काम करने के लिए आई? क्या बात है, कोई मसला है, घर में परेशानी है? क्या हुआ है? अपनी अम्मी की वजह से परेशान हूँ। क्या हुआ उनको? बीमार है, मुझे पहचानते भी नहीं। अच्छा बस नहीं बस, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा, बस हौसला रखिए, ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्यों घबरा क्यों रही हो? आप जानती हैं मुझे। हाँ हाँ, तुम महवेश हो ना, रोजाना आती हैं आप हमारी हेल्प करने के लिए, है ना? आज तो मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, मैंने सोचा मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। अब मैं बना देती। नहीं नहीं, मुझे पता है सब कुछ कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। उस दिन तो आपने मुझे डरा ही दिया, चोर समझ रही थी ना आप मुझे। उसकी मैं माजरा चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई थी ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बाजी ने मुझे आपके बारे में सब बता दिया। हाँ दरअसल मेरे साथ कुछ मसला है, मैं बहुत सी बातें भूल जाती हूँ और फिर जब मुझे याद आती है ना तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मगर अब दवाइयाँ बहुत असर कर रही हैं, देखो आज पहचान लिया ना मैंने तुम्हें। वैसे बाजी की बड़ी हिम्मत है, कितना अच्छे तरीके से संभाल रखा है आपको। मेरी देवरानी है ना, उसने तो अपनी माँ को किसी फलाई इदारे में दाखिल करवा दिया था जब वो बीमार पड़ी थी। और देखे ना, बाजी के तो शौहर भी नहीं है, वो चाहती तो दूसरी शादी कर लेती लेकिन नहीं की, सिर्फ आपकी वजह से। तुम्हें किसने बताया? कल ही वो किसी से बात करते हुए रो रही थी, आप ही ने तो उन्हें दिलासा दिया था काम वाली समझ के। और है ना, वो नेहा बेटी भी बता रही थी कि आप अक्सर है ना उनके अब्बा का जिक्र करती रहती है जैसे कि वो जिंदा है। वो बेचारी बच्ची है, मासूम है, ये सब सुन के परेशान हो जाती है। अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे आपकी बेटी को, बहुत प्यार करती है आपसे। न तो आजकल की औलादें तो बड़ी बेहिस हो गई। आप अपने कमरे में चलें, मैं वहीं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए।